तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल है, मास उसके एंड में एम लगा हुआ, उसमें चार्ज क्यू है, और उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में टांग दिया गया है, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। ओके, तो आपको बोला गया है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। ओके, मान लेते आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं आता, या आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकालना नहीं आता है, ठीक है। मान लो बेसिकली आपको एसएचएम वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आता, तो आप इसको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि अगर आप ये जो चार्ज की वैल्यू है, आप ऐसे सोचो अगर चार्ज +5 कूलम हो तब ये इस तरफ डेविएट हो जाएगा, है ना, ये इसका मेन पोजीशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उस तरफ फोर्स लगा लगा कुछ ऐसा कर देगा। अब इसके अबाउट अगर आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो ऑसिलेट करता रहेगा आगे पीछे, ठीक है। लेकिन चार्ज अगर +5 कूलम है, वैसे करके चार्ज अगर -5 कूलम करोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन आप देखोगे तो सिमेट्री तो है ना। अगर इसको मिरर बोलो तो चाहे इस साइड डेविएट हो या इस साइड डेविएट हो, +5 कूलम में इस तरफ होगा, -5 कूलम में इस तरफ होगा, लेकिन बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आना चाहिए, यहाँ भी वही टाइम पीरियड आना चाहिए। तो मतलब आपने एक चीज़ सोचा कि टाइम पीरियड मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ क्यू, क्यू के साइन पे तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा इन सब में से, वहाँ पे क्यू के बदले -Q पुट कर देंगे तब भी वो ऑप्शन अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा ना। अगर क्यू के साइन पे डिपेंड करा तो क्यू को -Q में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर क्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब क्यू को -Q से रिप्लेस करेंगे तो ऑप्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यू को अगर -Q से रिप्लेस करे तो ऑप्शन तो चेंज हो गया, प्लस के बदले माइनस आ गया। यहाँ पे क्यू को -Q से रिप्लेस करे तो इसका स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बच जाएगा। यहाँ पे क्यू को -Q से रिप्लेस करे तो -+ हो जाएगा। यहाँ पे क्यू को -Q से रिप्लेस करे तो फिर से स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे आपने पता कर लिया कि ए और सी ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ए और सी ऑप्शन में क्यू पे डिपेंडेंस है, लेकिन हमें चाहिए क्यू स्क्वायर पे डिपेंडेंस, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो होगा वो क्यू के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ सोचो, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो अगर नेगेटिव हो गया तब तो टाइम पीरियड को मतलब ही नहीं है, और अब वैसा वैल्यू चूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक ऐसा वैल्यू आएगा कि ये वाला चीज़ नेगेटिव हो जाए, यानी ये वाला टर्म जिसका नेगेटिव होने का चांस है कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू ई और एम लोगे तो, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म आपका नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव अगर हो गया तो टाइम पीरियड का कोई इमेजिनरी टाइम पीरियड आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म भी नहीं हो सकता, तो दिस कैन बी, मतलब ये वाला टर्म जो है यहाँ पे, ये नेगेटिव अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होना चाहिए, समझ रहे बात को। यहाँ पे कोई मॉड नहीं दिया, अगर मॉड दिया था तब हम लोग फंस जाते हैं, फिर इससे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन क्योंकि मॉड नहीं दिया गया है, लेकिन क्या गारंटी ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। आप अगर यहाँ पे क्यू का वैल्यू को या ई का वैल्यू को बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो हर वैल्यू के लिए तो ये चीज़ पॉजिटिव रहे ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका ए सी और बी एलिमिनेट हो गया, तो जो बचा उसको आप टिक करके लौट आओगे, ठीक है।